अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद आती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तबीब और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़द्दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इसराइली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है मरा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तू कैसे लेगा आजादी। अरे इन फिरका परस्त ताकतों से मेरे भाई मदी से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने आजादी दिलाई। जो आज नरेंद्र मोदी लोगों के जहन में एक सोच डाल रहा है, एक जहर डाल रहा है कि हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटाना है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जमाना है। अरे सुन नरेंद्र मोदी, इस्लाम जिंदा कौन का नाम है और इस्लाम जिंदा थी जिंदा है और तत्काल जिंदा रहेगी। तुम मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरा नाम निशान नहीं रहेगा, लेकिन इस्लाम तक रहेगा मेरे भाई। वक्त और हालात हमें क्या दे रहे हैं और ये दौर किस दौर का है, इस दौर में अगर इत्तेहाद ना लाए मेरे भाई तो याद रखो मिट जाओगे, सूखे पत्तों की तरह बिखर जाओगे। मेरे भाई पहचानो, पहचानो तुम वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, गुना वाले हो, और कुछ दम तोड़ देगी टूटी हुई शमशीर के साथ अगर तुम निकल जाओगे मेरे भाई नाराए तकबीर के साथ। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में जीना है तो कोहराम मचा दो, आओ आओ मेरी आवाज के साथ एक आवाज मिला दो और बुलंद आवाज में नारा लगाना मेरे भाई, एक एक हाथ खड़े करके नारा लगाना कि मुझे नए इनाम मेरे के अंदर इंकलाब आया है। नारे इंतजार करने आया हूं कि इत्तेहाद लाओ मेरे भाई, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज्जम हो जाओ, क्योंकि अभी आसमां इस जलती जमीन पर नहीं आने वाला, कोई और पैगंबर यहां नहीं आने वाला। प्यास कहती है रेत निचोड़ी जाए, अब हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला मेरे भाई, अब हमारे हिस्से में समंदर नहीं।